हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है क्योंकि ये पहला आदमी था जिसने किसी घटना का एक कालक्रम के अनुसार वर्णन किया था। देखिए, रोम जैसे आज अमेरिका है, सबसे बड़ा दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र, एक जमाने में यूनान दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। तो यूनान और हिंदुस्तान के बगल में ईरान है, उन दोनों की लड़ाई चलती थी। तो हेरोडोटस ने पहली बार ईरान और यूनान के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसका क्रमिक वर्णन किया था। तो पहली बार लोगों ने जाना कि इस ढंग से लिखा जाता है, लिखा जाना चाहिए, इसीलिए उसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड, हेरोडोटस इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। ये यूनान की बात हुई। अब भारतवर्ष में ये लिख लिया ना नाम, भारतवर्ष में इतिहास लिखने कि जो शुरुआत हुई, ये तो प्राइमरी चीज है, कुछ मौलिक चीज जो शुरुआत कर रहे, थोड़ा सा आपको बहुत पूछकर ना लगे क्योंकि कहानी आगे होगी। मैं हिंदी ऐसे ही लिखता हूँ, पढ़ने में आएगा। अभी इस देश में टाटा वालों ने कार बनाई है, पूरा देशी कार है, उसका ये नाम है, क्या नाम लिखा है ये, इंडिका। इंडिका उन्होंने कार बनाया है टाटा वालों ने, वो कहते हैं कि ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके पार्ट्स, इसका डिजाइन सब कुछ हिंदुस्तानी है, और उस कार का नाम उन्होंने रखा है इंडिका। ये है मेगस्थनीज। इस आदमी ने किताब लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ये मेगस्थनीज कौन था? ये आदमी सिकंदर के साथ आया था भारत। तीन सौ पचास से 290 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इसका जीवन है। 60 साल तक ये आदमी जिंदा रहा। जब ये सिकंदर के साथ भारत आया था, 25 साल का युवा था, और सिकंदर इसको लेकर के आया था कि तुम मेरी विजय यात्रा लिखोगे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, जी रहा हूं, युद्ध मेरे होंगे, तुम वैसा लिखोगे, मेरे अनुसार नहीं, जैसा होगा उसके अनुसार। मेगस्थनीज उसके साथ भारत आया था, और भारत में सिकंदर 19 महीने रहा। 19 महीने में मेगस्थनीज ने ये पुस्तक लिखी थी इंडिका, ये अभी भी छपती है, और इसके कुछ पन्ने उड़ गए हैं ऊपर। मेगस्थनीज की पुस्तक, मेगस्थनीज रचित ग्रंथ इंडिका, यह पहला ग्रंथ है जिसको अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, यह कोई ग्रंथ है जिसमें भारत के बारे में जानकारी दी गई है।
यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें भारत के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलती है, वह है इंडिका। इसको लिखने वाला एक विदेशी था, उसका नाम था मेगस्थनीज। अब थोड़ी चर्चा, ये लिख लिए हैं यहां तक ना? अब सिकंदर के बारे में थोड़ी चर्चा। यूनान, प्रेम प्रकाश जी दुनिया घूमे थे, वो कहा करते थे कि जितना सुंदर समुद्र तट यूनान में है उतना दुनिया में मैंने सुंदर कहीं और नहीं देखा। एथेंस का समुद्र तट वो कहते थे दुनिया का सबसे सुंदर समुद्र तट है। सिकंदर वही का था, यूनान का। और चढ़ती जवानी में एकदम उसने अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और भारत नहीं आया था, वो ईरान के लिए चला था। ईरान एक, अगर यहां विश्व का नक्शा होता तो उसमें आपको ये साफ समझ में आता कि वो कहां से चला था और कहां पहुंचा। विश्व के नक्शे में आप देखेंगे वो, देखिए अभी दो चीजें अभी आगे आएंगी मेरे मन में है। अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है? 2021। ये है 2021। 2021 साल, ये जो 2021 साल है, यहां एक आदमी हुआ था ईसा मसीह नाम का। आज से 2021 साल पहले उस आदमी को सूली पे चढ़ा दिया गया था। 2021 साल पहले वो आदमी आज के दिन मारा गया था। कोई नहीं जानता था कि ईसा मसीह कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उसके अनुयायी बढ़े, उन्होंने अपने आप को ईसाई कहा, फिर ईसाइयत राजधर्म बना। और जब राजधर्म बन के दूसरी जगह गया तो उन्होंने अपने समय को नापा ईसा मसीह की मृत्यु से। और चूंकि हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया में था, इसलिए हम सब लोग 2021 ईस्वी लिखते हैं। तो ईसा के मरने के बाद की जो घटनाएं हैं उनको कहा जाता है ईसवी सन। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटनाएं थी उन्हें कहा जाता है ईसा पूर्व। ईसा मसीह के बाद की जो घटनाएं हैं ये 2021 तक की इधर, वो सब ईसवी सन में आती हैं। और ईसा मसीह के मृत्यु के पहले का जो समय है वो ईसवी पूर्व कहा जाता है। ईसवी पूर्व, पूर्व मतलब बिफोर, बिफोर। पूछा कहते हैं ना, ट्रेन बिफोर चल रही है क्या, राइट टाइम चल रही है? बिफोर तो हिंदुस्तान में नहीं चलती है कभी
ये बिफोर शब्द वही है, बिफोर मतलब पहले, बी सी, सी मतलब क्राइस्ट, ईसा का अंग्रेजी में जो नाम है वो है क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बी सी, ये मैंने यहां लिखा था, इसको भी फिर चर्चा करूंगा जैसे होगा, कि मेगास्थनीज की अवधि है 350 से लेकर के 290 ईसा पूर्व, यह मेगास्थनीज का जन्म का काल है, जीवन काल 60 वर्षों का। सिकंदर का गुरु था अरस्तु, ये तीन लोग हैं ऐसे, सुकरात, और सुकरात के बाद प्लेटो, और प्लेटो के बाद अरस्तु, ये तीन नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें गुरु हैं सुकरात, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, ये तीनों के तीनों आदमी यूनान के स्वर्ण स्तंभ हैं। दर्शन में सुकरात को तो गुरु जी कहा करते थे, वो संत थे, और जो सबसे कमजोर आदमी था वो सुकरात ही था, इनमें बुद्धि में सुकरात में जो बौद्धिक क्षमता थी वो अपने शिष्यों से कम थी, ज्यादा नहीं थी। बर्टन रसेल एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने दर्शन पर चर्चा किया है और लिखा है, साफ साफ लिखा है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों में सबसे कम बौद्धिक स्तर जिसका था वो सुकरात था। बुद्धि में ये आदमी सबसे ज्यादा तेज माना गया है, इसको इसका नाम है अफलातून, आपने सुना होगा शब्द अफलातून, अफलातून बनना माने अपने आप को बहुत ऊंचा मानना। प्लेटो का नाम अफलातून है, और प्लेटो ने सुकरात के बारे में लिखा है, इसी से लोगों को दुनिया में सुकरात के बारे में जानकारी हुई। अगर प्लेटो नहीं होते तो सुकरात के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो वास्तव में संत जैसे ही थे। और प्लेटो एक ऐसा आदमी था जिसने विश्वविद्यालय स्थापित किए थे यूनान में, जहां गणित, दर्शन शास्त्र, राजनीति और ज्योतिष, इन चार चीजों की पढ़ाई होती थी, और इनके बनाए हुए विश्वविद्यालय 800 वर्षों तक चलते रहे, और दुनिया में लोग उन विश्वविद्यालयों को जानते थे। यही था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, अरस्तु गुरु था सिकंदर का, आप इसको लिख लें, सिकंदर का गुरु अरस्तु था, या ऐसे लिखिए यूनान की दार्शनिक परंपरा, सबसे ऊपर लिख लें यूनान की दार्शनिक परंपरा, यूनान की दार्शनिक परंपरा, पहला नाम सुकरात, दूसरा नाम प्लेटो, तीसरा नाम अरस्तु, अरस्तु सुकरात के गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु का समय लिखिए 384 से
322 ईसा पूर्व अरस्तु वो आदमी था जिसने सिकंदर के मन में यह भाव भरा कि दुनिया जीतने को है और तुम उस छोटी सी जगह में पड़े हो, जाओ और जीत करके आओ, पृथ्वी तुम्हारी राह देख रही है। और अरस्तु जैसा गुरु अगर किसी को मिल जाए तो वो सिकंदर बना लेता है। और सिकंदर चल दिया अपने साथियों के साथ, 10 साल सिकंदर 10 साल तक बाहर रहा अपने राष्ट्र से। ईरान पर वो हमला करने आया था। ईरान, मैं आपको बताऊं, भारतवर्ष का एकदम दाहिना कंधा है ईरान, दाहिना कंधा। भारत है, पाकिस्तान है और पाकिस्तान से लगा हुआ ईरान है। तो ईरान हमला करने आया था और बहुत दूर से आया था, 10,000 मील तय करके वो ईरान आया। वहां दारा करके एक बादशाह था, दारा को हराया उसने। और जब वो ईरान तक आ गया तो मैंने बताया ना, हेरोडोटस ने इतिहास में लिखा है कि इंडिया इज ए फैबुलस कंट्री, भारतवर्ष एक अप्रतिम जगह है जहां हर विजेता को जाना चाहिए। अगर किसी को अपनी सेना की मजबूती नापनी हो तो वो भारतवर्ष जाए, ऐसा हेरोडोटस ने लिखा है। ईरान तक सिकंदर आया था, उसने सोचा लगे हाथ हिंदुस्तान क्यों ना हो ले, और बस वो हिंदुस्तान आ गया। काबुल और कंधार ये दो दरवाजे माने जाते थे हिंदुस्तान के, काबुल और कंधार ये अफगानिस्तान में पड़ते हैं। उसने काबुल पे हमला किया और खैबर दर्रे से होता हुआ सिंध तक आ गया। यहां दो राजा थे, एक आम्भी था तक्षशिला का राजा और दूसरा कोरस कुरु। अगर आम्भी, तक्षशिला का राजा और कोरस दोनों मिल करके लड़ते तो सिकंदर एकदम हार जाता, लेकिन तक्षशिला के राजा ने जाकर के सिकंदर के आगे सिर झुका दिया और ढेर सारा सोना दिया और अपनी सेना सिकंदर की सेना में मिला दिया। सिकंदर आश्चर्यचकित रह गया। जिस देश के बारे में मैं सुनता था कि ये इतना वीर है, वहां के राजा ऐसे हैं निकम्मे कि बिना लड़े ही आकर के मेरी शरणाधीन। उसने आम्भी का राज्य लिया, उसके आदमियों को लिया और पुरुष से ओरस से युद्ध करने के लिए चल दिया। दो नदियां हैं, झेलम और चिनाब, इन दोनों नदी ये पाकिस्तान में है। झेलम और चिनाब के बीच में पुरु का राज्य था। लड़ाई हुई, जबरदस्त लड़ाई हुई और पोरस हार गया, हारा लेकिन डरा नहीं। और सिकंदर बड़ी मुश्किल से विजयी हुआ, तो सिकंदर ने उसको हराया नहीं, उसको मारा नहीं, उसका राज्य उसी को दे दिया और कहा तुम मेरे दोस्त हो। एक वीर दूसरे वीर का कैसे सम्मान करता है, इस बात से पुरुष के आगे झुक गया। लेकिन वो लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि सिकंदर के सैनिकों ने कहा अब हम आगे नहीं जाएंगे। ये शुरुआत में इतना जोरदार झटका देते हैं, आगे आगे क्या था,
आगे था ये क्या लिखा है, ये मगध, आगे मगध पड़ता था। मगध मतलब पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र की चर्चा हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ में की है। पाटलिपुत्र मतलब पटना, और मगध साम्राज्य का विस्तार उसने बताया है। सैनिकों ने कहा अभी तो हम शुरू में ही लड़े हैं सिंधु के पास, अभी गंगा के तट पे मगध इतनी दूर हम नहीं जाएंगे, 10 साल हो गए थे उसको निकले हुए हैं, और वो एकदम वापस हो, जानते कहां से वापस हुआ, पाकिस्तान से वापस हो गया। वो पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है उस समय भारत का हिस्सा था, वहां से वो वापस चला गया। जब वो गया तो दो लाख सांड लेके गया, ऑक्सन सांड लेकर गया, हिंदुस्तानी सांड जैसे सांड उसे दुनिया में नहीं देखे थे, तो अपने साथियों से कहा इनको हांक ले जाओ। 2 लाख सांड यहां से यूनान ले जाए गए थे, और भी बहुत कुछ ले गया, और फिर आगे वो युद्ध नहीं किया, और वहीं से हिंदुस्तान वो 19 महीने ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक वो रहा, 19 महीने बस, और उसके बाद वो हिंदुस्तान छोड़ दिया। सिकंदर भारतवर्ष में 19 महीने रहा, उसके बाद वह वापस लौट गया। वापस जाने का जो रास्ता था, 2 रास्ते थे, एक समुद्र का रास्ता था और दूसरा लैंड, जमीन से होते हुए जाना। उसने अपने साथियों से कहा जो जो वापस जाना चाहते हैं यूनान वो सीधे जमीन के रास्ते से चले जाएं, और जो मेरे साथ चलना चाहें रास्ते में थोड़ा सा और लड़ लेंगे वो मेरे साथ जल जहाज से चलें। बहुत सारे लोग चले गए जमीन से, और बहुत सारे लोगों को वह जल जहाज से लेकर के गया, और रास्ते में लड़ते हुए उतर करके लड़ता, फिर जहाज पे चढ़ता, बेबीलोन पहुंचा। वो बेबीलोन वहां लड़ाई कर रहा था, और कैसे बहुत लड़ने में तो बड़ा अधम था, वो सैनिक पीछे रह जाते थे वो आगे हो जाता था। एक जगह ऊंची जगह थी, सीढ़ी लगाकर चढ़ना था, सीढ़ी लगा करके सिकंदर खुद चढ़ गया, सीढ़ी टूट गई तो नीचे के सैनिक नीचे रह गए, वो ऊपर अटक गया, वो कूद गया, उनकी सीमा में जब कूद गया तो उसके सैनिक विरोधी सैनिक उस पर हमला कर दिए, और वो लड़ने लगा थोड़े सैनिकों के साथ। तब तक उसके सैनिकों ने फाटक तोड़ दिया और वो अंदर पहुंचे, देखे सिकंदर लड़ रहा है थोड़े से लोगों के साथ। एक भाला किसी शत्रु दल ने मारा और वो उसके बाईं तरफ छाती के बगल में घुस गया, उसके सैनिक पहुंच गए, उन्होंने उसको उठा लिया, संभाल लिया, और भाला अंदर तक घुस गया था, निकाला उस जगह को और फाड़ा गया, तब अंदर से निकाला, उसका जहर निकाला गया। और उस समय वह अपनी जन्मभूमि से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे था, अंतिम जगह थी वो, उसके बाद उसका राज्य था, और वहीं वो मर गया। उस समय वो 35-36 बरस का था शायद,
ज्यादा उम्र नहीं थी। वो भारत में एक आंधी की तरह आया, 19 महीने रहा, वापस चला गया। लेकिन वो जिस रास्ते से आया उस रास्ते से फिर दूसरे लोग आने लगे हिंदुस्तान। कौन आने लगे? व्यापारी। व्यापारी हिंदुस्तान से हिंदुस्तान आने लगे उस रास्ते से। तो राजनीतिक रूप से सिकंदर का हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन महत्व इस बात का है कि हिंदुस्तान की चर्चा पहले पहल मेगस्थिनीज ने इंडिका में की। इंडिका, यह है इंडिका, INDIK इंडिका, इसको अब इस तरीके से लिखा जाता है INDCA, इंडिका CA लिख देते हैं। पहली बार हिंदुस्तान को किसी ने नाम दिया था इंडिया। इंडिया इसी से बना है इंडिया। पहली बार किसी विदेशी ने भारत को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इंडिका, मतलब इंडिया के बारे में। तभी से इस देश को इंडिया कहा जाने लगा। उसके पहले इसका नाम था संस्कृत ग्रंथों में क्या लिखा है? आर्यावर्त। संस्कृत ग्रंथों में ये नाम चलता है आर्यावर्त या जम्बूद्वीप। लेकिन पहली बार एक विदेशी ने नाम दिया इंडिया। और अब किसी से पूछो आर्यावर्त कहाँ है, उसे नहीं पता होगा। इंडिया, इंडिया सब जानते हैं। एक विदेशियों का दिया हुआ नाम इंडिया चल रहा है। और यह नाम आया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अब देखिए इसी पे प्रश्न बनेंगे। मैं आपसे बताता हूँ प्रश्न कैसे बनेंगे। दसवें या ग्यारहवें दिन एक परीक्षा होगी और किस तरीके प्रश्न पूछे आएंगे। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताएं, लिखिए मत। लेकिन प्रश्न इसी तरीके के होंगे। या पूछेंगे सिकंदर के साथ भारतवर्ष कौन आया था। आपको अगर नाम याद नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। प्रश्न आएगा कि सिकंदर ने किस राजा को हराया था भारत के। वो नाम आपको याद है कि पुरु था तो आप बताएंगे, लिखेंगे। बस एक एक अक्षर, दो दो शब्द बस ऐसे ही आएंगे, थोड़े मोड़े में, एक लाइन दो लाइन इतने में ही लिखना है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, या तो याद रहेगा तो आप लिखेंगे। सिकंदर का गुरु कौन था? अभी अगर याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे लिखेंगे? अब 10 दिन याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा देखना है। अभी तो याद है अरस्तु। इस तरीके छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे और कल मैं कुछ प्रश्न लिखवाऊंगा जिनके उत्तर आप लिखेंगे। आज इतना ही।